हलका गुरहर सहाय दे विधायक ते साबका कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ते डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर वनीत कुमार वल्लों गुरहर सहाय दी अनाज मंडी अंदर झोने की खरीद शुरू करवाई गई। इस मौके उन्होंने नाल डीएफओ मैडम वंदना कंबोज, एसडीएम अमरिंदर सिंह मल्ली, मंडी बोर्ड के डायरैक्टर रवि शर्मा, मार्केट कमेटी के चेयरमैन वेद प्रकाश कंबोज आदि हाजिर सन। इस मौके गलबात करदिया साबका कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने गलबात करदिया कहा कि झोने की खरीद संबंधी सारे प्रबंध मुकम्मल कर ले गए हैं ते किसानां नूं किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आउण दित्ती जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानां दीआं मुश्किलां नूं पहल दे आधार ते हल किया जाएगा। इस मौके गलबात करदिया डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर विनीत कुमार ने डीएफओ मैडम वंदना कंबोज ने किसानों को अपील करदे कहा है कि किसान अनाज मंडिया अंदर सुक्का झोना लेके आओ ताजो किसानों को परेशानियों का सामना ना करना पवे। और आज मैं सारे मुबारकबाद दिना किसानों आढ़तियों किसान जी इतने मंडी चाज लेके आए ने मेरे नाल आओ आओ जी मैडम आओ वंदना मैडम ने जिहड़े साडे डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर ने डीसी साहब ने और जिहड़ियां कोई लोगों दी तकलीफां होणगियां किसानां दी खास तौर पर या मजदूरां दी जिहड़े इत्थे मंडी च काम कर रहे हैं या जिहड़े आढ़तीए ने उन्हां दा क्योंकि सारा सिस्टम नवां है कि कंप्यूटराइज सारी पेमेंट होणियां ने तो वो शुरुआत हो रही है और वैसे तो सारा कुछ कंप्लीट है लेकिन जो कोई इशूज आउणगे सूत्रां तों पता लगा सर बारदाने दी कमी है जी आया नहीं पहुंचा नहीं गा जी जी 50% मिलर ने लाउणा हुंदा बारदाना उहदे कोल हैगा कमी जी 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 जदों बारदाने दी इस गल दी नौबत आएगी उदों गल करना आपां पहलां ही अगे गल करनी नहीं सर तैयारी करनी चाहिए तैयारी पूरी है मैं पहलां कह चुक्या कि पंजाब सरकार वल्लों खास तौर ते फूड एंड सिविल सप्लाईज दे डिपार्टमेंट वल्लों पूरी तैयारी कोई बारदाने की कमी नहीं कोई लिफ्टिंग की कमी नहीं सारा काम नाल दी नाल निबड़ता जाए। सर की कारण है जी गुरुवर साहिब दे विच जिहड़ी खरीद है लेट कीती गई है किसान बहुत परेशान सी है जी कोई परेशानी नहीं सर एक मिनट ठहरो मेरी गल सुनो जरा ध्यान आढ़तीए ने इत्थे दसो जी की परेशानी हल इधर एक मिनट गल सुनो पहले मैं दस सर किसानां दी समस्या सी गई 10 दिन तो बैठे होए जी खड़ा जिहड़ा कहे आप तुही मॉइस्चर मीटर ना चेक करो 25% तो घट को मंडी आप किसान खड़े ने आढ़तीए भी ने किसान भी ने कोई परेशानी नहीं मंडी खाली पई है ये पहला झोने कच्चे सीगे पहली तरीक नु तां बारिश होई है 2 नु बारिश होई है अज की तरीक है की 8 तरीक है 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਤੇ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਰਚੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈ ਬਟ ਅਸੀਂ 80% ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ये मॉइस्चर बिल्कुल 17% जो है वो सेक्टर सैंक है असी उससे ज़्यादा नहीं उठाना है सरकार का बिल्कुल निर्देश है तो असी अपील भी की है लोगों को कि तुसी रात में ऑफकोर्स असी 144 भी लगाया हुआ है कोई कंबाइन हार्वेस्टर रात में नहीं कटाई करेगी तो 17% मॉइस्चर वाले सारे असं उठा रहे हैं अलॉटमेंट भी हो गई है शेलर्स की ऑलमोस्ट 70-80 के करीब हो जाएगी आज शाम तक तो लिफ्टिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जानी है एक कल तो लिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जानी है तो पेमेंट बिल्कुल जो बिना 48 hours का जोड़ा सरकार का टीचर है बिल्कुल पूरा करेंगे बारदाने की कोई समस्या नहीं है जैसा कि सर एंड वी आर ऑन द जॉब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।